अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम रिव्यू लेके आए डॉलोस कंपनी के ऐसे मॉडल का जो कि आपको बिल्कुल बिल्ट इन माइक्रोवन की लुक देता है। इसका जो फ्रंट ग्लास है वो आपको मिरर में मिल जाता है। इसके साइज़ की बात कर लें तो ये 128 इसका मॉडल है, ये 28 लीटर का साइज़ बनता है। इसके फ्रंट में आपको टच पैनल मिल जाती है, लार्ज LED मिल जाती है, और इसके अलावा सबसे अच्छी बात है कि ये आपको मिरर ग्लास में मिल जाता है जो कि आपको एक बिल्ट इन माइक्रोवन की लुक देता है। नैन इसमें आपको बिल्ट इन रेसिपीज मिल जाती हैं, और हमेशा की तरह हमारी वीडियो बनाने का मकसद किसी भी प्रोडक्ट का रिफंड नहीं होता, खूबियां और खामियां आपके पास लाना आता है ताकि आपको प्रतिदिन में आसानी हो सके। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी साइज की, जो 28 लीटर का साइज है, 9 रेसिपीज में इसमें आपको बिल्ट इन मिल जाती है, और ये किस तरीके से बनेंगी वो बताया गया है। इसमें जो रेसिपीज है वो आपको साथ दी जाती है। पिज्ज़ा बना सकते हैं, आलू की भुजिया बना सकते हैं, चपली कबाब बना सकते हैं, और चिकन तंदूरी इसमें बना सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे पूछेंगे ज़ाती तौर पर, तो ये इन सारों में से एक भी चीज़ नहीं बनाएगा, जो कि डोनस कंपनी का एक दावा है। इसके फ्रंट पे आपको लार्ज LED मिल जाती है, और उसमें आपको टाइम क्लॉक मिल जाता है। अगर आपके किचन में क्लॉक नहीं है तो ये काफ़ी काम का फीचर है। इसमें आपको जो कंपनी दावा कर रही है, इसमें आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, पास्ता बना सकते हैं, बटाटा बना सकते हैं, मीट बना सकते हैं, इसके अलावा फिश बना सकते हैं, वेजिटेबल बना सकते हैं। इसके अलावा प्री हीट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा माइक्रोवेव का बटन मिल जाता है। इस बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये वापस माइक्रोवेव पर शिफ्ट हो जाएगा। इस बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो उसकी इंसर्ट वाली जो ग्रिल है वो ऑन हो जाएगी। ग्रिल की बात कर लें तो ग्रिल इसकी टॉप पे आती है, और ये इसको इस्तेमाल करने से पहले ज़रूरी है कि इसको आप प्री हीट कर लें। टाइम डिफ्रोज का ऑप्शन मिल जाता है, वेट डिफ्रोज का ऑप्शन मिल जाता है, किचन क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है जो कि इसके टॉप पे आएगा। ये स्टॉप का बटन है, और इस बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो इसका 30 सेकंड का जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा, और दो दफ़ा प्रेस करेंगे तो एक मिनट का टाइम लग जाएगा, और ये इसका एनालॉग है। इंसर्ट की बात कर लें तो इंसर्ट कुछ इस तरीके से आती है, और इसमें आपको एक रेसिपीज बुक मिल जाती है। ये रेसिपीज की बुक बात कर लें तो 128G इसका मॉडल है, और इसकी रेसिपीज बुक कुछ इस तरीके से आती है। इसमें आपको फ्रंट पे वारंटी कार्ड मिल जाता है, जिसे पूरे पाकिस्तान में आसानी आप क्लेम कर सकते हैं। वारंटी की बात कर लें तो वारंटी 1 ईयर है। चिकन इसमें तवा पीस, इसमें चिकन सैंडविच आप बना सकते हैं, आप देख सकते हैं, और ये रेसिपीज बताई गई है कि ये किस तरीके से वर्क करेगी। इसके अलावा आलू की भुजिया बना सकते हैं, इसकी रेसिपीज दी गई है। और इसके अलावा नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट में आप इसमें चपली कबाब बना सकते हैं इसी माइक्रोवेव में, जो रेसिपीज दी गई है। और इसके बाद नेक्स्ट बात कर लें तो इसमें आप फिश हांडी बना सकते हैं, और इसके अलावा नेक्स्ट की बात कर लें तो नेक्स्ट बात कर लें तो इसमें आप बैंगन का भरता बना सकते हैं, और ये किस तरीके से बनेगा ये बताया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट बात कर लें तो इसमें आप पेशावरी कावा बना सकते हैं, और ये किस तरीके से बनेगा वो बताया गया है। नेक्स्ट की बात कर लें तो चिकन पास्ता इसमें आप बना सकते हैं, और इसमें इसकी टाइमिंग और बताया गया है कि किस चीज़ों की ज़रूरत होगी। और इसके अलावा मसाला पॉपकॉर्न इसमें आप बना सकते हैं, और इसके अलावा चिकन तंदूरी बना सकते हैं, जिसमें इसका टाइम दिया गया है। ये इसकी रेसिपीज बुक है, और ये आपको बिल्ट इन इसका जो माइक्रोवन है उसकी लुक मिल जाती है। और इसके अलावा आपको डोनस कंपनी के ऑफिशियल नंबर मिल जाते हैं, अगर कोई दुकानदार आपकी बात नहीं सुनता जो कि एजुकेटेड पाकिस्तान में होता है, तो इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके आसानी आप सर्विस बैकअप ले सकते हैं। इंसर्ट की बात कर लें तो उसकी इंसर्ट कुछ इस तरीके से आती है, 28 लीटर का ये साइज़। इसमें आपको ग्लास की प्लेट मिल जाती है, ग्रिल मिल जाती है। ग्रिल का बेसिकली मकसद ये होता है इसके टॉप पर जो राड दिए गए हैं उसके नज़दीक, ताकि ये आपकी कोई भी जो चीज़ है जो आप बेक करेंगे वो हो जाए, ताकि वो अच्छे तरीके से बेकिंग हो जाए। इसके अलावा इसकी टॉप की बात कर लें तो इसका जो टॉप है वो बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन मिल जाता है। इसके एग्जॉस्ट टॉप पे नहीं है, यानी कि आप इसके टॉप पे कोई चीज़ रख सकते हैं। राइट साइड की बात कर लें तो इसके जो राइट साइड है उसमें आपको एग्जॉस्ट मिल जाते हैं। करना आपने ये है, किचन में वॉल पे जहाँ भी आप रखेंगे तो आपने इसको जो वॉल है उसे थोड़ा सा फासला दे के रखना है, जिससे इसका जो मैग्नेट ऑन है वो अच्छे तरीके से वर्क करेगा। इसी तरह इसकी लेफ्ट साइड की बात कर लें तो लेफ्ट साइड पे भी आपको एग्जॉस्ट मिल जाते हैं, जो कि मैग्नेट ऑन को कूल रखने में काम देते हैं। आपने इसके वॉल से ज़रा सा फासला दे के रखना है, जिससे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। इसकी प्राइस की बात कर लें तो तमाम माइक्रोवेव की जो प्राइस है वो एक्सटेंड हो चुकी है। 128 इसका मॉडल है, और इसकी मार्केट में जो प्राइस है अब तक जब तक की वीडियो बन रही है वो 35,000 रुपये है, जबकि जो तमाम माइक्रोवेव है उनकी जो प्राइस है वो एक्सटेंड हो चुकी है। उसी तरह जो इसकी प्राइस है वो भी एक्सटेंड हो चुकी है। प्राइस की बात कर लें तो प्राइस 35,000 रुपये है, और इसके अलावा 28 का ये साइज है डोनस कंपनी का माइक्रोवेव है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी ही प्रोडक्ट की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें।